रामनवमी में अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए अयोध्या नगर निगम पूरी तरह सुचिंतित ढंग से काम कर रहा है। जगह जगह यात्रियों को उनके जूते उतारने के लिए हम लोग सूरेक्स बनवा रहे हैं। मुख्य मार्ग पर हम लोग जो है वो लाल कालीन बिछवाएंगे ताकि किसी को पैदल नंगे पांव चलने में कोई मौसम संबंधी असुविधा का सामना न करना पड़े। जगह जगह वाटर कूलर्स, वाटर कियोस्क, वाटर एटीएम्स ये सब लगाए जा रहे हैं ताकि पेयजल की कोई असुविधा न होने पाए। श्रद्धालुओं के तमाम टॉयलेट्स, मोबाइल टॉयलेट्स ये सब चीज़ें लगाई जा रही हैं। कुल मिला के अयोध्या आने वाले किसी श्रद्धालु को अपने आराध्य के दर्शन में कोई असुविधा न होने पाए, इसके लिए पूरा ख्याल रखा जाए। कितनी भीड़ आने की संभावना है? देखिए, भीड़ तो हर बार ही 25-30 लाख आती थी। इस बार तो रामलला राम जन्मभूमि की स्थापना हुई, उस दृष्टिकोण से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उससे तो ज़्यादा ही लोग आएंगे अनुमान है, लेकिन हम लोग पूरा उसको अच्छे से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। शासन भी प्रयास कर रहा है और समाज भी प्रयास कर रहा है। कितना खास रहेगा ये? निसंदेह अद्भुत है ये, इस बार की रामनवमी अद्भुत है और प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार रामनवमी वहाँ मनने जा रही है। कुल मिला के अद्भुत है और अद्भुत वातावरण रहेगा जिसका लोग आनंद। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।